भारत और श्रीलंका के बीच आज एशिया कप में करो या मरो का मुकाबला खेला जाना है। अगर आज टीम इंडिया हार जाती है तो वो फाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी। वहीं श्रीलंका लगातार दूसरी जीत हासिल कर फाइनल में अपना दावा मजबूत करना चाहेगी। इससे पहले सुपर चार के पहले मुकाबले में दासुन शनाका की टीम अफगानिस्तान को हरा चुकी है। ऐसे में आज के मुकाबले में टीम इंडिया पर ज्यादा प्रेशर होगा। तो आइए जानते हैं इस मुकाबले में दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के साथ साथ पिच रिपोर्ट और अन्य जरूरी बातें। एशिया कप टीम इंडिया के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल के लिए कुछ खास नहीं रहा। पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में चहल ने 4 ओवर में 43 रन दे दिए थे। वहीं इस मेगा टूर्नामेंट में पहली बार खेल रहे भारत के एक और लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में सिर्फ 26 रन दिए और एक विकेट भी अपने नाम किया। पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में भी चहल खुद कुछ खास नहीं कर पाए थे। ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ चहल प्लेइंग 11 से बाहर हो सकते हैं। उनके बाहर होने का एक और कारण है श्रीलंका की टीम में टॉप 6 बल्लेबाजों में 3 लेफ्ट हैंड बैटर है जो लेग स्पिन को अच्छा खेलते हैं। ऐसे में चहल की जगह आर अश्विन को मौका मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो अश्विन इस एशिया कप में पहली बार खेलते नजर आएंगे। भारतीय टीम एक और बदलाव कर सकती है। ऋषभ पंत की जगह दिनेश कार्तिक को मौका मिल सकता है। टीम इंडिया के दोनों सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और रोहित शर्मा अब तक इस टूर्नामेंट में कुछ खास नहीं कर पाए। दोनों की शुरुआत तो अच्छी मिलती है लेकिन वो इसे बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाते। रोहित पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में 18 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं हांगकांग के खिलाफ उन्होंने 13 गेंद में 21 रन बनाए। पिछले मैच में भी रोहित ने शुरुआत तो धमाकेदार अंदाज में की लेकिन 28 रन बनाकर आउट हो गए। हिटमैन श्रीलंका के खिलाफ जब भी खेलते हैं उनका बल्ला खूब बोलता है। ऐसे में आज उनसे बड़े पारी की उम्मीद होगी। रोहित के जोड़ीदार केएल राहुल का फॉर्म भी अब तक कुछ अच्छा नहीं रहा। उन्होंने इस एशिया कप में एक भी ऐसी पारी नहीं खेली जिससे टीम को फायदा हो। आज उनसे भी उम्मीद होगी कि वो अपना खोया हुआ फॉर्म प्राप्त करे। भारत और श्रीलंका के बीच मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। पिछले मैच की तरह या श्रीलंका के खिलाफ भी गेंद थोड़ी पुरानी होने के बाद स्पिनरों के असरदार साबित होगी। मैच में करीब 160 से 170 रन बनने की संभावना है। वहीं टारगेट का पीछा करने वाली टीम को ज्यादा फायदा होगा। ऐसे में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना सही फैसला होगा। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हमने देखा था कि दूसरी पारी में ओस और नमी दोनों थी। पहली पारी की तुलना में बल्लेबाजी काफी आसान हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीपीके न्यूज़।